मैं तो ये एक चीज बहुत ही विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा ये कैसा कानून है और ये कौन सा खुफिया फायदा इन तीन कानूनों से होने जा रहा है जो देश का एक भी किसान नहीं समझता लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी समझती है। फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है, जमीन किसान के ही पास रहती है। तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी ये फायदा है। वो तो थी अभी तक, अब जाएगी नहीं मतलब ये क्या फायदा? अरे भैया ये तो था ही हमारे पास, फायदा क्या है? न जाने ऐसा कौन सा खुफिया फायदा होने जा रहा है। देश का किसान कह रहा है कि भैया हमें ये कानून नहीं चाहिए, ये हमारे हित का नहीं है, ये हमारी रोजी रोटी बर्बाद कर देगा, देश की किसानी को खत्म कर देगा। लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि हे किसान, तुम्हें अकल नहीं है, तुम बेवकूफ हो, तुम अपना हित नहीं समझते हो, हम कह रहे हैं ये कानून लागू होना चाहिए, ये कानून लागू करो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। न जाने क्या हो, ये जो बैठकों का दौर हुआ है उससे तो यही स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार की मंशा नहीं है देश के किसान की बात मानना। केवल ऑप्टिक्स के लिए चिट्ठियां लिखी जाती हैं, मीडिया में हेडलाइन बटोरने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए बैठकें रची जाती हैं। ये दिखाया जाता है कि एक मंत्री दूसरे मंत्री से मिल रहा है किसानों की मांगों को लेकर, फिर दोनों मंत्री मिलकर एक तीसरे मंत्री से मिल रहे हैं, फिर वो तीनों मंत्री मिलकर एक चौथे मंत्री से मिल रहे हैं, यही रोज होता जा रहा है। लेकिन देश के किसान को हल नहीं दे पा रही है ये सरकार। और मैं तो पूछना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी तो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो एक वर्किंग कमेटी ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे, जिस कमेटी ने ये रिपोर्ट जारी करी थी कि MSP जिसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं उसे कानूनी अधिकार मिलना चाहिए, उन्होंने ये कहा। उन्होंने देश भर में प्रचार करके जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करूंगा जो कहती है कि MSP से डेढ़ गुना हम फसल का दाम देश के किसान को देंगे, लागत से डेढ़ गुना। लेकिन आज गुजरात के मुख्यमंत्री अपने सारे बयान भूल गए जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने। ये सवाल खड़े होते हैं जो देश का किसान मोदी सरकार से पूछ रहा है। मैं मोदी सरकार से हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे अहम की लड़ाई ना बनाइए, इसे एक ईगो बैटल मत बनाइए। देश के किसान के साथ ईगो की लड़ाई नहीं होती है, देश के किसान की बात मानिए और इस ठंड में खुले आसमान में सड़क पे सो रहा है देश का किसान, हमारा अन्नदाता, उसे और आंदोलन करने पे मजबूर मत करिए, उसकी मांगों को स्वीकार करिए।